हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल है कोलिजन इंस्टेशन से। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से, टू स्पीयर्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 m2 रेस्पेक्टिवली कोलाइड। ए इज एट रेस्ट इनिशियली एंड बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो, डायग्रामेटिकली अगर हम लोग इसको देखते हैं तो दो पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं, ए रेस्ट में है इनिशियली और बी मूविंग है। तो वी कंसिडर दिस वन इज अ बी, ये बी है और ये ए है। तो यहां पे ये रेस्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जीरो रहेगी और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये रहेगी वी, जो गिवन है। तो इट इज यू सफिक्स बी और ये यू सफिक्स ए एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ ये बिफोर केस हो गई। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कोलिजन बी हैज अ वेलोसिटी वी बाय टू इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब यहां पे आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि बी की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है। तो समझो हम लोग ये ले लेते हैं, इट वॉज बी, वी बाय टू इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहां पे, राइट, परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। द मास ए मूव्स आफ्टर कोलिजन इन ए डायरेक्शन। तो जो ए पार्टिकल था उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी ये पूछा है। तो देखो यहां पे एक थोड़ा सा गेस हमें करना होता है कि अगर बी अपवर्ड जा रहा है तो कहीं ना कहीं ए की जो डायरेक्शन रहेगी वो डाउनवर्ड रहेगी, लेकिन डाउनवर्ड का एंगल हमें नहीं पता है। तो वी कंसिडर दैट ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये ए किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गई ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले तो हम लोग ये जो वेलोसिटी है इसको रिजोल्व कर लेते हैं। ये हम लोग लेंगे वी सफिक्स बी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और वी सफिक्स ए। तो यहां पे हम लोग इसको रिजोल्व करते हैं दो पार्ट में, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सो समझो ये अगर एंगल मैंने थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा वी सफिक्स ए कॉस थीटा और ये रहेगा वी सफिक्स बी, सॉरी इट इज अगेन वी सफिक्स ए v सफिक्स a साइन थीटा, ये रहेगा इस टाइप, राइट। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। तो हम लोग लेते हैं देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम जब हम लोग लिख रहे हैं तो हमें दो एक्सिस के अलॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं पहले along x axis, ओके। तो देखो along x axis क्या है, ये इनके जो masses है, a का mass है m1 और b का mass है m2, तो ये हो जाएगा m suffix 1 या फिर m1 लिखेंगे u suffix a plus m2 that is mass of particle b और इसकी speed थी समझो u suffix b और that is equals to final momentum but along x axis। तो m1 v सफिक्स ए प्लस m2 v सफिक्स बी, इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने यहां पे लिखा था m1 u सफिक्स ए प्लस m2 u सफिक्स बी, ये इनिशियल मोमेंटम था। फिर से m1 v सफिक्स ए प्लस m2 v सफिक्स बी, ये हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहां पे लिया था। तो m1 की वैल्यू मैं एज इट इज रखूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो जो ए पार्टिकल है वो इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, मतलब इसकी वेलोसिटी यहां पे जीरो, प्लस m2 एज इट इज और इसकी वेलोसिटी थी v इज इक्वल्स टू m1 एज इट इज। ए जो पार्टिकल है वो मूव हो रहा है एक पर्टिकुलर एंगल के साथ जिसका हॉरिजॉन्टल मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट था वो हमने लिया था v सफिक्स a cos थीटा और प्लस सेकंड जो पार्टिकल है वो स्ट्रिक्टली, सेकंड मतलब b पार्टिकल, देखो हम लोग डायग्राम में अगर देखते हैं तो b जो पार्टिकल है वो स्ट्रिक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में मूव रहा है, मतलब इसका x कंपोनेंट जो रहेगा वो जीरो रहेगा। मतलब यहां पे हम लोग लिखेंगे m2 into 0, तो अब ये हो जाएगा m2v is equals to m1 v सफिक्स a cos थीटा, राइट। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देखें छोड़ देंगे। नाउ अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस देखते हो तो इनिशियली कोई भी पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस मूव नहीं हो रहा था, मतलब इस केस में हम लोग लिख सकते हैं 0+0, मतलब पहले पार्टिकल का और दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या था, जीरो था। देन उसके बाद
पार्टिकल ए जो है, अगर हम लोग डायग्राम में चलते हैं तो ए पार्टिकल देखो एक एंगल बना के जा रहा है, उसका वाई कंपोनेंट जो रहेगा वो वी सफिक्स ए साइन थीटा है, लेकिन क्योंकि ये डाउन साइड में हम लोग लिखेंगे, हियर इट इज एम वन माइनस ऑफ वी सफिक्स ए साइन थीटा, क्योंकि डाउन साइड में है, और जो बी पार्टिकल है वो स्ट्रिक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसका मतलब ये एम टू वी बाय टू हो जाएगा, राइट। सो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम वन वी सफिक्स ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम टू वी बाय टू। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एम टू वी बाय टू को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो एम टू वी बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम वन वी सफिक्स ए साइन थीटा, लेट से इट इज इक्वेशन नंबर टू। तो जस्ट हम लोग दोनों को डिवाइड कर लेंगे, सो इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन इम्प्लाइज, तो इक्वेशन टू मतलब यहां पे एम टू, इट इज एम टू वी डिवाइड बाय टू, और डिवाइड बाय रहेगा एम टू वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ओके सॉरी यहां पे ये माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां पे ये माइनस की जरूरत नहीं फिर, राइट। क्योंकि देखो ये यहां पे मैं रेड कलर से शो करता हूं, ये टर्म जब मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती है और ये कैंसिल कर देंगे हम लोग, राइट। सो ये बचेगा फिर एम वन वी सफिक्स ए साइन थीटा, और इक्वेशन वन में था एम वन वी सफिक्स ए कॉस थीटा, राइट। तो ये एम टू वी, एम टू वी कैंसिल, मतलब इट इज वन बाय टू इज इक्वल्स टू, यहां पे ये एम वन वी सफिक्स ए और ये कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस टैन थीटा हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं टैन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन बाय टू, सो फाइनली थीटा की जो वैल्यू होगी इट इज टैन इनवर्स वन बाय टू, तो ये हो गया थीटा। तो अगर ऑप्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा जैसे आंसर आया था टैन थीटा, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स वन बाय टू, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट होता है टू द एक्स एक्सिस, राइट।